दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और जिसमें हमने जो है ब्राज़ील और क्या कहते हैं अर्जेंटीना एवं एंडीज पर्वतमाला की बात कर चुके हैं। और दूसरे वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के जितने भी दक्षिण अफ्रीका के नहीं जितने भी महत्वपूर्ण लोकेशन और भी बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है चिली, जो कि क्या कहते हैं पैसिफिक ओशियन जो है प्रशांत महासागर से सटा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो है वो जाड़ों में वर्षा होती है। तो सवाल वहाँ पे बनाया जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से किन देशों में जाड़ों में वर्षा होती है, तो यहाँ पर चिली में जो है वो जाड़े में वर्षा होती है। उसके बाद में यहाँ पे है कि पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मत्स्यन क्रिया वाला देश है, यानी कि पेरू जो है क्या कहते हैं कि अर्जेंटीना जो कि चिली के उत्तर में है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है सर्वाधिक मत्स्यन क्रिया होती है, सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू है। और क्या कहते हैं इसी से सटा हुआ एक देश है बोलीविया है, और बोलीविया और पेरू की जो है थोड़ा अलग अलग क्या कहते हैं खासियत है। जैसे बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। दरअसल स्थलरुद्ध देश का मतलब ये होता है कि ऐसा देश जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं टच करती हैं। यहाँ पर बोलीविया की अगर देखेंगे, बोलीविया के जो भी पड़ोसी देश हैं, पूर्व में ब्राज़ील है और क्या कहते हैं लगभग उत्तर पश्चिम में पेरू है, और क्या कहते हैं दक्षिण में चिली और अर्जेंटीना के साथ में और पराग्वे के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे कि सभी तरफ से इसकी सीमा जो है वो स्थल से ज़मीन से लैंडलॉक कंट्री है। तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है वो बोलीविया है। हालांकि स्थलरुद्ध देश पराग्वे भी है, लेकिन पराग्वे से भी बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बोलीविया जो है वो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। और यहाँ पर देखिए बोलीविया की दरअसल राजधानी लापाज है, वो विश्व की सर्वाधिक ऊँची राजधानी है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर ही विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका है, जिसकी ऊंचाई जो है 3,811 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे क्या कहते हैं लेक टिटिकाका है जो कि पेरू है और बोलीविया की सीमा है। और यहाँ पर जो है बोलीविया की राजधानी है लापाज, जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और सबसे महत्वपूर्ण तो लेक टिटिकाका झील है, क्योंकि ये विश्व में सबसे ऊँचाई पर स्थित झील है और इसकी ऊंचाई अभी हमने बताया है थोड़ी देर में, जो कि 3,811 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पे कुछ वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा खास हैं, वो परीक्षा में मिलान करने की दृष्टि से आ सकते हैं। जैसा है कि कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। या मिलान करने के लिए भी मान लीजिए दे देते हैं कि कैंडोर पक्षी का संबंध कहाँ से है, तो कैंडोर पक्षी का जो संबंध है वो दक्षिण अमेरिका से है। दक्षिण अमेरिका कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा जो है वो शिकारी पक्षी है, पक्षी नहीं है जानवर है, क्या कहते हैं पक्षी ही है जानवर नहीं है पक्षी है कैंडोर पक्षी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और अगला देखते हैं कि रिया दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता, यानी कि जिस प्रकार से अफ्रीका में अपने शुतुरमुर्ग होता है, अफ्रीकन कंट्री में जो है पूरे अफ्रीका महाद्वीप में शुतुरमुर्ग होता है, और ऑस्ट्रेलिया में आपका एमू होता है, ये दोनों ही पक्षी जो है उड़ नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं दक्षिण अमेरिका में रिया जो है पक्षी होता है जो कि उड़ नहीं सकता, यानी कि तीन पक्षी हो गए जो उड़ नहीं सकते। तो हो सकता हो एग्जाम्स में मिलान करने के लिए भी ये दे दिया जाए, तो रिया का जो मिलान होगा वो दक्षिण अमेरिका से ही होगा, ना कि जो है दक्षिण अफ्रीका से होगा। और इसके बाद में जो है ब्राज़ील और क्या कहते हैं अर्जेंटीना से सटा हुआ एक देश है, उसके दक्षिणी हिस्से में उरुग्वे है, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत सर्वाधिक जो है नगरीकृत देश है, यानी कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है वो उरुग्वे है। तो उरुग्वे जो है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। और अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि एक वहाँ का दक्षिण अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम है पैलागॉस आइलैंड। दरअसल ये पैलागॉस आइलैंड जो है ये भूमध्य रेखा के समीप में ही है, और यहाँ पर जो है ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं उनके प्रजनन का ये प्राकृतिक स्थल है।
तो दरअसल यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है ओलिव रिडले कछुए जो होते हैं वो यहाँ पर अपना प्राकृतिक प्रजनन केंद्र का आवास बनाते हैं। और इसकी जो सिचुएशन लोकेशन है यहाँ पे देखते हैं, ये है गैलापागोस आइलैंड, जो कि इक्वेटर के लगभग लगभग नहीं पूरी तरीके से इक्वेटर के पास ही है। तो ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए जो है टेम्परेचर जो है हाई चाहिए, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपना प्रजनन केंद्र जो है बना लेते हैं। अब इसके साथ में हम दक्षिण अमेरिका के कुछ मरुस्थल और पठार की भी बात कर लेते हैं। देखते हैं कि पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ ग्वानको नाम का एक बोझा ढोलने वाला जानवर पाया जाता है, और आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि ग्वानको ठीक उसी प्रकार से है जैसे अपने यहाँ गुजरात के कच्छ में गधा पाया जाता है। तो ग्वानको बोझा ढोने वाला जानवर है, और ग्वानको दरअसल लामा का जो ही एक प्रजाति है, और लामा जो है वो एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाई भागों पे पाया जाता है, तो ये भी बोझा ढोने के ही काम में आता है। दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और बोलीविया ये प्रमुख वहाँ के पठार हैं। तो गुयाना, ब्राज़ील, बोलीविया ये तीन वहाँ के पठार हैं, प्लस पेंटागोनिया जो है पठार है, और पेंटागोनिया जो है ये एक अपने आप में उष्ण मरुस्थल है। यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका के जो कि दक्षिणी भाग में बसा हुआ है स्थित है पेंटागोनिया का मरुस्थल यहाँ पे है। और उसके बाद में यहाँ पर ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। दरअसल ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है वो अपने आप में हाईलैंड का मतलब ही होता है उच्च भूमि। तो उच्च भूमि का मतलब क्या होता है, पठार होता है। दरअसल पठार की परिभाषा में जब भी आप पढ़ेंगे वहाँ पर पाएंगे कि अपने क्षेत्र से आसपास के क्षेत्र से एक समतल आकृति होती है, उठी हुई उभरी हुई आकृति होती है, और क्या होती है वो समतल होती है। लेकिन पर्वत में क्या होता है, पर्वत की ऊपरी आकृति जो होती है ऊपरा जो ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है वो नुकीला होता है, और पठार में जो होता है वो समतल होता है। तो यहाँ अपने आप में एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है। तो चाहे ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोलें, चाहे ब्राज़ीलियन उच्च भूमि बोलें, चाहे ब्राज़ील का जो है पठार बोलें, तो दोनों बात एक ही है। और उसके बाद में यहाँ पर गुयाना हाईलैंड है, यहाँ पे जो कि गुयाना उच्च भूमि है, यही है गुयाना का पठार है। और उसके बाद में बोलीवियन प्लेट्यू है, बोलीविया का पठार है। तो इसकी अगर लोकेशन याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में याद करने के वो मिलान करने के लिए आ जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में दिखाने के लिए, तो सबसे पहले जो है गुयाना का पठार होगा यहाँ पे, गुयाना या गुयाना भी मिलता है, गुयाना का पठार होगा। और उसके बाद में ब्राज़ीलियन उच्च भूमि होगी या ब्राज़ील का पठार होगा, और उसके नीचे जो है क्या कहते हैं कि लगभग जो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड के समानांतर है, नीचे नहीं है, उसके समानांतर ही है बोलीविया का पठार। और बोलीविया के पठार पर ही जो है वो क्या स्थित है, टिटिकाका झील, लेक टिटिकाका झील स्थित है बोलीविया के पठार पर ही स्थित है। और प्यूमा तथा जगुआर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले वहाँ के शिकारी जानवर हैं। तो प्यूमा और जगुआर क्या है, ये शिकारी जानवर है। तो यहाँ पर ये भी कभी कभी सवाल बन जाता है, नीचे ऑप्शन में दे देते हैं प्यूमा जगुआर, और पूछ लेते हैं पक्षी है या जानवर है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है ये जानवर है, ना कि जो है उड़ने वाला पक्षी है। और रिया पक्षी तो ज़रूर है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण देख लेते हैं, ग्वानो खाद होती है वहाँ पे। दरअसल ग्वानो खाद जो है ये फास्फोरस से समृद्ध होती है, फास्फोरस का जो है ये समृद्धतम स्रोत होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद जो कि फास्फोरस का समृद्धतम स्रोत होता है उसको ग्वानो बोलते हैं। तो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र का मतलब ये है कि जो है दक्षिण अमेरिका का जो तटवर्ती भाग है, जो पश्चिमी भाग है, यानी कि प्रशांत महासागर को टच करने वाला हिस्सा है, यानी कि कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और चिली वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ग्वानो खाद होती है। और ग्वानो खाद जो है वो ऑलरेडी फास्फोरस से जो है वो संपन्न होती है, फास्फोरस का समृद्धतम स्रोत होती है। उसके बाद में इक्वेडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया जो ऐसे देश हैं, तीन वहाँ के देश हैं जो भूमध्य रेखा के एकदम करीब हैं, भूमध्य रेखा के समीप हैं। पीसीएस में और आईएएस में, हाँ एग्ज़ाम आईएएस में तो नहीं पूछते हैं लेकिन स्टेट पीएससी में इस चीज़ को ज़रूर पूछा जाता है कि वहाँ के इक्वेटर के जो समीप देश स्थित हैं उन देशों के नाम बताइए, या उनको जो है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट करके पूछते हैं तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में कभी कभी पूछा जाता है। और अगर उत्तर से दक्षिण लोकेशन नहीं बनती है, मान लीजिए उत्तर से दक्षिण लोकेशन नहीं बनती है, तो पश्चिम से पूर्व वो ज़रूर जो है दे देते हैं स्थिति को जो है सेट करने के लिए, जो भी उनके ऑप्शन में नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पश्चिम में सबसे पहले इक्वेडोर है,
उसके बाद में कोलंबिया का जो है वो दक्षिणी हिस्सा जो है वो भूमध्य रेखा को टच कर जाता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राज़ील का जो है हिस्सा जो है ब्राज़ील कंट्री का हिस्सा भूमध्य रेखा को इक्वेटर को टच करता है। अब इसमें एक और नई बात ये बन करके आती है कि अगर मान लीजिए कोलंबिया इक्वेडोर और ब्राज़ील में दे दें कि तीनों में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका किस देश का है जो इक्वेटर को टच करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा आप देख सकते हैं ब्राज़ील का टच करता है, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो ऑलरेडी क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट इस वीडियो का जो है वो वेनेजुएला है, क्योंकि वेनेजुएला इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, जहाँ पर निकोलस मादुरो और जुआन गाइडो को लेकर के सत्ता परिवर्तन को लेकर के जहाँ पर अमेरिका का सत्ता हस्तक्षेप रहा और पूरी दुनिया का एक प्रकार से वहाँ पर सेंटर बन गया था कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर के। तो वेनेजुएला से सवाल आना तय है, अगर दक्षिण अमेरिका से सवाल आते हैं तो देखते हैं वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है उसके साथ में जो सीमाएँ साझा करती हैं जो देश, इसके दक्षिण में ब्राज़ील है, पश्चिम में कोलंबिया है एवं पूर्व में गुयाना है। यहाँ पर अगर मैप में देखा जाए तो इसके पश्चिम में कोलंबिया है, दक्षिण में ब्राज़ील है और पूर्व में जो है गुयाना है, और वेनेजुएला अपने आप में जो है वो गुयाना के पठार पर स्थित है। उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं कि गुयाना के पठार पर स्थित है कैरो नदी जो कि ओरिनेको नदी की एक सहायिका है, इसी पर जो है सर्वाधिक ऊंचा एंजल झरना स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ पर जो है ये वेनेजुएला की स्थिति है और यहाँ पर जो है ओरिनेको नदी है जो कि कैरो नदी की सहायक नदी है, और यहाँ पर जो है एंजल जलप्रपात है जो कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात इसकी ऊंचाई जो है वो 979 मीटर है, या मोटे मोटे तौर पर 980 मीटर भी हम इसको मान सकते हैं, 979 मीटर है जिसको हम मोटे मोटे तौर पर 980 मीटर जो है इसको मान सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये गुयाना हाईलैंड है, यानी कि गुयाना के पठार पर ही एंजल जो है जलप्रपात स्थित है।